वो एक्सेप्ट करे अगर मेरी लड़की के साथ में ऐसा हुआ, मैं उसको वो कर अरे बॉयकॉट तो ये सब सोशल वही है, पॉलिटिक्स है वो, कुछ लिखने के बाद ही मालूम होगा ना। ठीक है, लोग तो काफी कुछ कहते हैं, जब तक कॉलेज हॉस्टल और जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं स्पेशली केरला। आज हम देखने वाले केरला मूवी के ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, और वीडियो के लास्ट में मैं मूवी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को शायद ही पता हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सच्ची घटना पर आधारित एक और मूवी द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है। आइए जानते हैं पब्लिक की राय। तो फाइव उनके बारे में यही कहा जाए कि अच्छा नहीं है बॉयकॉट करना। अच्छा नहीं है भाई, क्या कहेंगे? अरे बॉयकॉट तो ये सब सोशल वही है, पॉलिटिक्स है वो, कुछ नहीं है। लोग कह रहे कंट्रोवर्सी मूवी, इसके बारे में क्या? अब भाई सच अगर है दिखा रहे हो तो कंट्रोवर्सी लास्ट में दिखाया है ना, स्टोरीज भी दिखाई है। 5 out of 5। ये और जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन है उनको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए, और काफी अच्छी मूवी। लोग कह रहे कंट्रोवर्सी मूवी, इसके बारे में क्या? नहीं यार, वो तो देखने के बाद ही मालूम होगा ना। ठीक है, लोग तो काफी कुछ कहते हैं लेकिन देखना चाहिए। कॉलेज गोइंग है, जो लोग अभी कर रहे हैं ये चीज ना, जिसमें कहीं ना कहीं इंडल्ज होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। दे हैव टू लुक दिस मूवी, बहुत अच्छी है। जो लोग बायकॉट कर रहे हैं नंबर धमाल, खासकर युवाओं को बायकॉट जैसे करने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कॉलेज हॉस्टल और जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं स्पेशली केरला हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, सभी जगह लोगों को जरूर देखना चाहिए। A1 जो लोग बायकॉट कर रहे हैं वो तो देश को बर्बाद कर रहे हैं एकदम, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं है, बहुत ज्यादा। जो लोग बायकॉट कर रहे हैं, घबराहट हो रही है अभी। जो लोग बायकॉट कर रहे हैं उनके बारे में क्या? अरे वो बेवकूफ है यार, मूवी से सीख लेनी चाहिए, लड़कियों को भी सीख लेनी चाहिए, किसी के जाल में नहीं आना चाहिए, और एक हिंदू समाज को भी सीख लेनी चाहिए कि उनको उनके गॉडेस पे उनको बिलीव रखना चाहिए हमेशा, लाइफ टाइम, कि हम लोग के गॉडेस हम लोग के साथ रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के भी ऊपर बिलीव कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को बनाए रखना चाहिए अगर आपको यहाँ रहना है कैपेबल तो। हिंदुस्तानी पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तानी पेरेंट्स को ये कहेंगे कि वो थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान रखें, और थोड़ा ये भी है कि अपने बच्चों को शुरुआत से अपने रिलीजन की सीख दें कि आपके गॉडेस आपको क्या सिखाते हैं। किसी की भी बातों में आ जाते हैं उससे नहीं आना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को, जैसे मान लो बार बार नंगी फोटो ले लेते हैं तो वो डरे ना, उस डरने के बारे में वो ब्लैकमेल करते हैं, वो एक्सेप्ट करे अगर मेरी लड़की के साथ में ऐसा हुआ, मैं उसको वो कर सर जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका तो काम ही यही है, उनको तो इस्लामिक स्टेट बनाना है पूरे वर्ल्ड को, जो वो क्लियर बोल रहा है, ये मैसेज दे रहा है, परंतु हमारे जो राजनीतिक वाले हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, क्लियर साथ दे रहे हैं, जैसे आतिक मर गया उसका साथ दे रहे हैं, और कितने आदमी को, गलत आदमी को मार दिया तब भी वो लोग साथ दे रहे हैं। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को? मतलब पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे मान लो उसने बता दिया कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे गलत हो रहा है तो उसका साथ दें, मतलब साथ दें। और उसको बोले कि इतनी सुन सक वो हमको बताए, तुम्हारे साथ में जो भी गलत हो रहा है वो हमको बताए। हाँ, दैट एवरी इंडियन शुड वॉच दिस एंड एवरी गर्ल शुड वॉच दिस मूवी। और जिन लोगों ने ना ये बायकॉट करने के, या अभी मैं जब फिल्म देख रहा था मैंने देखा कि तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने ना उसे बहिष्कार कर दिया उसका। तो एक कहावत हम लोगों ने सुनी थी कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है एकदम, बिल्कुल देखने लायक बात है कि मतलब आपको कितने और सबूत चाहिए होंगे इसके लिए, मतलब किस चीज़ के लिए और कितने सबूत चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। मतलब हमारे देश की लड़कियां, ये बात सिर्फ केरला की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की हो, मैं हिंदुस्तान की नहीं मैं पूरे वर्ल्ड की भी बात करूँगा कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी डिज़र्व नहीं करता, कोई भी डिज़र्व नहीं करता इस तरीके से, कोई लड़की हो या लड़का हो कोई भी डिज़र्व नहीं करता, फ्रीडम सबको चाहिए होती है। ब्रेन वॉश के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ब्रेन वॉश के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह का ब्रेन वॉश जो चल रहा है ना, ये आप खुद ही सोच करके देख लो एक बारी कि किस तरह की चीज़ों के बारे में ब्रेन वॉश कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओ, एक फिल्म में बात आती है, एक डायलॉग है उसमें
बोला गया कि लड़कियों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तो वो बोलती है कि क्या शरिया लॉ में मोबाइल नहीं रख सकते? उस समय तो शरिया लॉ जब बना था तब तो मोबाइल था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं। क्या मतलब आप एकदम बेवकूफ़ हो गए हो क्या? आपने रेत में सर गाड़ लिया है? इस तरह की चीज़ों को आप मान रहे हो या सुन रहे हो या देख रहे हो? अब आप उसमें मूवी में एक बार बीच में दिखाया भी गया, जाकिर नाइक का एक वीडियो दिखाया गया था, आज तक उसे पकड़ा नहीं गया है। आज भी वो बाहर मलेशिया में वहाँ पर रुका हुआ है, वहाँ पर स्टे लिया उसने, और आज भी उसके वीडियो सर्कुलेट होते हैं और आज भी वो ब्रेन वॉश इंडिया में वैसा का वैसा ही चल रहा है। ये सबसे पहले केम इन टू लाइट इन 2014, और जाकिर नाइक का ये वीडियोज़ जो ब्रेन वॉश करने के लिए यूज़ होते हैं, इस तरह के वीडियोज़ और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पकड़े नहीं गए, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। बिल्कुल करना चाहिए इस तरह की चीज़, तो किसी को भी डिज़र्व नहीं करता ना, कोई भी डिज़र्व नहीं करता। जिस तरह से आप एक बारी मूवी देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं इस बारे में जानता था बहुत सारी चीज़ें, मैंने लगा था कि यही चीज़ मूवी में दिखाई जाएगी, लेकिन एक बार आप जब देख लोगे ना तो आप उसको फील कर पाओगे। थैंक यू। एवरी गर्ल शुड वॉच दिस मूवी ताकि उनको पता चले कि क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। खुद पर जब बीतती है तो क्या असर होता है, फील कर सकते हैं, इस मूवी को कनेक्ट कर सकते हैं खुद के साथ में। और जो लोग बायकॉट कर रहे हैं वो तो लोग करते रहते हैं हर चीज़ का। कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उसका भी बायकॉट किया गया था, फिर भी लेकिन पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया था। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लड़कियों की मूवी देखनी चाहिए। कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? 3 स्टार। केरला स्टोरी मूवी के अंदर 4 लड़कियों की कहानी बताई जाती है जो कि स्टडी करने के लिए किसी दूसरे कॉलेज में जाती है, कैसे उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है। इस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म के अंदर कितनी कमियां हैं, तुम्हारा भगवान कमज़ोर है, तुम्हें अपना धर्म चेंज करके इस धर्म में चले आना चाहिए। कैसे हिंदू लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इस मूवी में दिखाया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं एंड कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो इस मूवी को प्रोपेगेंडा प्रूफ करने में लगे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मूवी को वाहियात बोला है, कोई मूवी इसे कश्मीर फाइल्स के आगे का मैनिपुलेशन बताता है, और फिल्मी कंपेनियन इसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बनी एक फिल्म बताता है, और किसी को तो इस मूवी में इस्लामोफोबिया दिखता है। खैर, द केरला स्टोरी ने अपने पहले दिन में ही 8 करोड़ का कलेक्शन किया है, और दूसरे दिन 11 करोड़ का, और तीसरे दिन 16.5 करोड़, मतलब कि 3 दिन में 36.5 करोड़ कमा लिए हैं। फिल्म का जो बजट था वो था 40 करोड़ का, जो कि इस फिल्म ने 40 करोड़ को पार कर दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और इंडिया एक्शन वीडियो के साथ वापस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।